क्या आपको पता है पैकेट वाला दूध दूध होता है या केमिकल? और एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों का शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है, और एक ऐसी टीचर जो कुछ इस तरह के कपड़े पहनकर बच्चों को पढ़ाती है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 7, ये जगह जो आप इमेज में देख रहे हो ये पृथ्वी के अंत का छोर है, और ये जगह इंग्लैंड के ससेक्स में है। फैक्ट नंबर 6, स्पेन में एक महिला टीचर ने छात्रों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मानव शरीर के आंतरिक अंगों वाला बॉडी सूट पहनकर ये बायोलॉजी टीचर कक्षा में पहुंच गई। इस सूट को पहनकर टीचर ने अपने छात्रों को हर एक अंग के बारे में विस्तार से समझाया। इस सूट में मानव शरीर का हर एक अंग वहीं दिख रहा है जहां होना चाहिए। इस सूट के जरिए छात्रों को मानव शरीर के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई। फैक्ट नंबर 5, बता दें कि अफ्रीकी सांप बूमस्लैंग का जहर बड़ी तेजी से असर करता है। किसी पक्षी की जान लेने के लिए इसका 0.0006 मिलीग्राम जहर ही काफी है। इस जहर के प्रभाव से शरीर में खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, जिसमें खून का प्रवाह रुक जाता है और कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों का शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है। मेडिकल साइंस में इस जटिल बीमारी को फाइब्रोडिस्प्लासिया ओसिफिंकस प्रोग्रेसिवा कहा जाता है। और बता दें, सिर्फ 20 लाख बच्चों में से एक को होती है यह दुर्लभ बीमारी। फैक्ट नंबर 3, मेक्सिको की कंपनी एड्रियानो डी मार्टी ने पहली बार कैक्टस से लेदर बनाया। इस कंपनी के मालिक दो दोस्त एड्रियन लोपेज और मार्टे हैं। बता दें, इस लेदर को डिजर्टो नाम दिया गया है। इस लेदर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरनाक केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, और न ही इसके लिए किसी जानवर की खाल की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में पेटा नामक संस्था ने भी सनी लियोनी का फोटो शेयर किया था, जिसमें जानवरों की खाल उधेड़ने के दर्द को बयां किया गया था। इन दोनों दोस्तों के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स कहाँ हैं? आपका जवाब होगा इजिप्ट। जी नहीं, सर्वे के अनुसार मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या 138 है, जबकि सूडान में ज्ञात पिरामिड 200 से 255 तक है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है पैकेट वाला दूध दूध होता है या केमिकल? तो इसे लेकर कुछ रिसर्च हुई है जो बताती है कि यह नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, जिस प्लास्टिक पैकेट में दूध रखा जाता है, इस प्लास्टिक में BPA केमिकल बिस्फेनॉल ए होता है, जो नुकसानदायक हो सकता है। रिसर्च बताती है कि जब भी यह प्लास्टिक सूरज की किरणों के सामने आती है, तो इससे दूध में BPA शामिल हो सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें पता लगे आप कितनी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।